हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने व्यूअर्स की डिमांड पर आज मैं आपको डांगड़ी बनाना बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा साइज है, 2-3 महीने के बच्चे को, 3-4 महीने तक के बच्चे को तो ये आ जाएगा, लेकिन अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगी, तो इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पर ये देखिए, मैंने जो पैटर्न डाला हुआ है उसकी जगह आप कोई ग्राफ पैटर्न भी डाल सकती हैं या आप इसको प्लेन भी बुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। डांगरी बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 35 फंदे लेकर के, ये 35 फंदे डालकर सिलाई पर, और इतना बॉर्डर बुन लिया है। ये हमारा बॉर्डर एक उल्टे एक सीधे का है। अब देखिए, ये जो 35 फंदे हैं इन्हें हमें बढ़ाकर 50 फंदे कर लेना है। देखिए कैसे बढ़ाने हैं। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, अब इस फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे। कैसे? एक बार इस फंदे को आगे से बुन लेना है और एक बार इसको पीछे से बुन लेना है। तो ये हमारे 2 फंदे हो गए। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, अब फिर से हम इस फंदे पर 2 फंदे बनाएंगे। एक बार इसको आगे से बुना और एक बार इसको पीछे से बुना। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब इस फंदे में से 2 फंदे बना लेंगे, एक बार आगे से बुनकर और एक बार पीछे से बुनकर। ये देखिए, इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर दूसरा या तीसरा फंदा के बाद एक फंदे का 2 फंदे बनाते हुए हमें ये फंदे बढ़ाकर 50 कर लेने हैं। तो देखिए, मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फंदे बढ़ाकर 50 फंदे कर लिए हैं। अब हमें इसको प्लेन बुनना है। प्लेन यानी कि सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। इस तरह से बुनते हुए हमें इसको करीब 7 इंच बुन लेना है। अब ये देखिए, ये मैंने बुन लिया है। ये हमारा यहां से लेकर यहां तक करीब 7 इंच है। अब इसके बाद हम यहां पर आसन की कटाई करेंगे। देखिए कैसे करना है। यहां पर हम पहले 2 फंदे घटाएंगे। फंदे घटाने के लिए देखिए, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे पहले सीधे बुने, अब आगे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे और आगे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये हमारे 2 फंदे घट गए। बाकी की सिलाई सीधी बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आसन की कटाई के लिए हमें 4 फंदे इस साइड से घटाने हैं और 4 फंदे हम इस साइड से डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने पहले 2 फंदे डिक्रीज किए हैं, अब हम यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। फिर दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 2 फंदे डिक्रीज कर लिए। अब इस साइड से देखिए, उसके बाद पूरी सिलाई सीधी बुनने के बाद हम इधर आ गए, तो यहाँ पर भी हम 2 फंदे घटा लेंगे। ये हमारे दोनों फंदे घट गए। अब पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे।
अब देखिए पूरी उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली और अब हम फिर से फ्रंट साइड पर आ गए। अब यहां पर हमें पहले एक फंदा डिक्रीज करना है। देखिए दो फंदे हम एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे। उसके बाद ये पूरी सिलाई हमें सीधी बुन लेनी है। अब देखिए हमारी पूरी सीधी सिलाई कंप्लीट हुई और अब हम यहाँ पर फिर से दो का एक करेंगे। अब हम पूरी सिलाई ये उल्टी बुन लेंगे। इसके बाद देखिए फिर से हम यहाँ पर दो का एक बनाएंगे और यहाँ भी दो का एक करेंगे, एक एक फंदा और डिक्रीज कर लेंगे तो ये हमारे दोनों साइड से चार चार फंदे घट जाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड से चार चार फंदे घटा लिए हैं। ये हमारी आसन की घटाई पूरी हो गई। अब हम इनको आगे प्लेन बुनेंगे। प्लेन यानी कि सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। इस तरह से हमें इसको आगे बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे डिक्रीज करने के बाद यहां से लेकर के और यहां तक मैंने करीब 5.5-6 इंच बुन लिया है। तो इसी तरह से आपको दो पार्ट बना करके तैयार कर लेने हैं दोनों लेग्स के लिए। ये मैंने दो पार्ट बना लिए हैं। अब देखिए आगे कैसे बनाना है। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इस सलाई में से 21 फंदे हमें लेने हैं। पहले हम यहां पर देखिए ये एक फंदा इस सिलाई का लेंगे ऐसे, और ये दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। देखिए एक बार फिर से ये दोनों पार्ट हमने ऐसे ले लिए और इस सिलाई का एक फंदा हमने इधर लिया और ये दो फंदे एक साथ लेकर दो का एक बुन लेंगे। अब 20 फंदे हम इस सिलाई से बुनेंगे। देखिए एक फंदा हमारा ये हो गया और ये एक फंदा, यानी कि 21 फंदे बुनने हैं। तो एक फंदा हमारा ये हुआ, एक ये हुआ, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। ये जो हमारे 42 फंदे बचे थे उसमें से आधे फंदे हमने इधर बुन लिए और ये जो 21 फंदे जो बचे हैं इन्हें हमें ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए सिलाई से इधर को ले आएंगे फंदे जिससे कि ये निकला नहीं। अब इससे भी हमें आधे फंदे लेने हैं। एक फंदा यहां पर हमने लिया था जो दो का एक किया और उसके बाद ये 20 फंदे और ले लेने हैं। तो देखिए पहले हम 5 फंदे बॉर्डर की जैसे बुनेंगे। पहला फंदा सीधा, अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ये 5 फंदे हो गए। बाकी के फंदे हमें सीधे बुनने हैं।
अब यहां से हम 15 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर 5 फंदे बॉर्डर की जैसे बुनेंगे। पंद्रह, ये हमारे 15 फंदे हो गए। अब देखिए 5 फंदे हम ऐसे बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। अब देखिए ये हमारे 21 फंदे बच गए। 3, 2, 5, 10, 15, 20 और एक 21। ये 21 फंदे भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए हमें केवल ये वाले फंदे बुनने हैं। ये हमारा विप पोर्शन बनेगा यहाँ पर, और ये हमारा इस तरह से आएगा। देखिए ऐसे ऐसे बनेगा। तो यहां पर देखिए, या तो आप इसको प्लेन बुन सकती हैं, प्लेन यानी कि सीधा उल्टा, या फिर आप इसमें कोई ग्राफ वाला डिजाइन डाल सकती हैं, या फिर आप इसमें कोई भी एक कलर का डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहां पर एक कलर का डिजाइन डालूंगी। ये उल्टी सिलाई हम पूरी पहले ऐसे ही बुनेंगे कि जो बॉर्डर वाले फंदे हैं वो एक उल्टा एक सीधा बुनेंगे और बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए हमारी सीधी सिलाई आ गई। अब सीधी सिलाई में फिर से हम डिजाइन डालेंगे। देखिए अब हम डिजाइन शुरू करेंगे। पहले हम ये बॉर्डर वाले फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए डिजाइन डालने के लिए धागा आगे लाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। आप कोई दूसरा डिजाइन भी डाल सकती हैं। मैं देखिए ऐसा डाल रही हूँ, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे ले गए। अब इस फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। एक बार इस फंदे को बुना, धागा आगे लाए, एक बार फिर से हम इसी फंदे को बुन लेंगे। फिर धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, वूल पीछे, फिर एक फंदे से 3 फंदे, वूल आगे, 3 फंदे उल्टे, वूल को पीछे ले जाएंगे और एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे। अब देखिए इस एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। पहले एक बार बुना, वूल को आगे लाए, एक बार फिर से उसी फंदे को बुना, फिर से वूल आगे और 3 फंदे उल्टे, वूल पीछे, एक फंदे से 3 फंदा बनाएंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है।
अब ये तीन फंदे उल्टे और ये पांच फंदे बॉर्डर जैसे बुनेंगे। देखिए ये जो फंदे हैं इनको आप सेफ्टी पिन में भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों सिलाई के फंदे एक ही सिलाई में कर दिए हैं इस तरह से, और ये हमारा जो पोर्शन वो वाला है जो हम अभी बुन रहे हैं। अब हमारी ये उल्टी सिलाई है। देखिए पहले हम ये बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये तीन फंदे जो देखिए हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये उधर से हमने उल्टे बुने थे, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे और ये वो फंदा है जो हमने एक से तीन बनाया है, तो ये तीनों फंदे हम उल्टे बुनेंगे। वूल पीछे साइड, तीन फंदे सीधे, ये वो तीनों फंदे हैं जो हमने उस साइड से उल्टे बुने हैं। धागा अपनी साइड और ये जो एक फंदे से तीन फंदे बनाए हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। इस पूरी सिलाई में हमें तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, इस तरह से बुनने हैं। अब ये लास्ट के जो पांच फंदे हैं ये हम बॉर्डर के जैसे बुन लेंगे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। अब देखिए हमारी अगली सिलाई। अगली सिलाई में पहले बॉर्डर के पांच फंदे बुन लेंगे। अब देखिए धागा अपनी साइड लाएंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे साइड ले जाएंगे। अब देखिए ये एक उल्टा फंदा और ये एक सीधा फंदा, ये जो तीन फंदे हमने सीधे बुने थे, जो हमने एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे, वो तीन फंदे हमने उल्टी सिलाई में उल्टे बुने थे। अब सीधी सिलाई में उन्हीं तीनों फंदों में से हम एक फंदा लेंगे और एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को देखिए घुमाकर ऐसे सीधा कर लेंगे और एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर ये दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब फिर से एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, दो का एक बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, इस फंदे को घुमाकर सीधा करेंगे और एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर दो का एक बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर से ऐसे ही एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, दो का एक किया, एक फंदा सीधा बुना, इस फंदे को सीधा किया और एक उल्टे फंदे के साथ मिलाकर दो का एक बुना। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बुनने में अनकंफर्टेबल हो तो आप इसको सेफ्टी पिन में भी ले सकती हैं, दोनों साइड के फंदे अलग अलग सेफ्टी पिन में ले लीजिए तो आप आराम से बुन लेंगे।
लास्ट में हमारे फिर दो फंदे उल्टे आएंगे। अब एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। अब देखिए हमारे पैटर्न की फोर्थ रो, पहले बॉर्डर वाले फंदे बॉर्डर के जैसे बुनेंगे, दो तीन चार पांच। अब धागा पीछे साइड, दो फंदे ये देखिए सीधे सीधे ही बुन लेंगे, जो हमें सीधे दिख रहे हैं, धागा अपनी साइड और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे साइड, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे। धागा पीछे साइड, ये जो सीधा फंदा दिख रहा है ये सीधा बुनेंगे, धागा अपनी साइड, ये तीन फंदे देखिए उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हम वैसे ही बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। इस सिलाई में हमारा एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे इस तरह से आएंगे, और शुरू में और लास्ट में दो दो फंदे सीधे आएंगे, या जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही आप बुन लीजिए। लास्ट के पांच फंदे बॉर्डर के बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारा चार सिलाई का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न को हम आगे डालते जाएंगे, यही चार सिलाइयां हमें रिपीट करते जाना है और पैटर्न को आगे डालते जाना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने दो डिजाइन बना ली हैं, देखिए दो डिजाइन बना ली हैं, तो ये हमारी आठ सिलाई पूरी हो गई। और दो सिलाई मैंने यहाँ पर प्लेन बुननी थी, एक सीधी और एक उल्टी, तो ये हमारी 10 सिलाई हो गई। अब 10 सिलाई के बाद देखिए यहाँ पर और यहाँ पर हमें एक एक फंदा डिक्रीज करना है। तो देखिए कैसे हम फंदा घटाएंगे, पहले ये बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। ये चार फंदे बुन लिए, अब ये देखिए जो पांचवा फंदा है हमारा बॉर्डर का, इसी सीधे फंदे के साथ एक ही हम उल्टा फंदा लेंगे, ये सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा, दोनों एक साथ लेंगे और दो का एक बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा कट गया, वूल अपनी साइड। अब फिर से हम वैसे ही डिजाइन डालेंगे, देखिए अब हमारा फंदा एक यहाँ पर घट गया, तो अब की बार यहाँ पर हम दो ही फंदे उल्टे बुनेंगे। ये दो फंदे उल्टे बुने, अब इस एक फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे साइड, एक फंदे के तीन फंदे, धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे साइड, एक फंदे का तीन फंदा। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे साइड ले जाएंगे और एक ही उल्टा फंदा और एक ही सीधा फंदा, दोनों में ऐसे आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बुन लेंगे। ये फंदे एक उल्टा एक सीधा बुनेंगे। अब देखिए फिर से हम
आगे की सिलाइयां ऐसे ही बुनेंगे, यानी कि 8 सिलाई हम ऐसे बुन लेंगे, 2 बार हम डिजाइन डाल लेंगे। उसके बाद फिर दोनों साइड से एक-एक फंदा डिक्रीज करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर डिक्रीज किया है। इसी तरह से हमें इसको आगे बनाना है। अब फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ तक बुन लिया है। ये जो डिजाइन है वो मैंने 5 बार डाला है, 1 2 3 4 5, 5 बार ये डिजाइन डालने के बाद आपको अब एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर बुनना है। तो देखिए, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ये हमारे फंदे हो गए जो हम बॉर्डर के जैसे बुन रहे थे। और आगे भी अब हमें इन्हें ऐसे ही बुन लेना है। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारा उल्टा आएगा, फिर देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, और ये लास्ट वाला ये सीधा। अब ये हमारी एक सिलाई बॉर्डर की हो गई। इसी तरह से हमें 5-6 सिलाई ऊपर बॉर्डर बुन लेना है। और इसी बॉर्डर में देखिए, एक हमें यहाँ पर बटन होल बना लेना है और एक यहाँ पर। देखिए, एक इधर इस साइड हम बटन होल बनाएंगे और एक इस साइड बनाएंगे। तीसरी सिलाई पर हम बना लेंगे एक सिलाई उल्टी बुनने के बाद, फिर एक सीधी पे जब हम यहां से बुनना शुरू करेंगे बॉर्डर, तो हम ये बटन होल बना लेंगे। तो मैं पहले ये बुन लेती हूँ करीब 6 सिलाई बॉर्डर की, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये फंदे जो हैं वो बंद कैसे किए जाएंगे। ये फंदे उसके बाद हमें बंद कर लेने हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने बॉर्डर बुनकर तैयार कर लिया है। ये दोनों साइड मैंने काज भी बना लिए हैं बटन होल। अब ये सारे फंदे हमें बंद करने हैं। फंदे बंद करने के लिए हम पहले 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 बुन लेंगे। फिर इस फंदे को हम बाएं हाथ की सिलाई पर लेंगे और फिर से एक फंदे के साथ मिलाकर 2 का 1 बुन लेंगे। अब इस फंदे को ऐसे लेंगे बाएं हाथ की सिलाई पर और एक फंदे के साथ मिलाकर फिर से 2 का 1 कर लेंगे। ऐसे ही हमें ये सारे फंदे बंद कर लेने हैं। ये फ्रेंड्स, मैंने सारे फंदे बंद कर लिए। अब इसी तरह से हमें पीछे वाला भी बना लेना है। ये जो फंदे हमारे, ये 21 हैं, ये 21 हैं, इनको भी हमें ऐसे ही बनाना है। इस फंदे को हम ऐसे लेंगे इस सिलाई पर और ये 2 का 1 बुन लेंगे। फिर ये सारे फंदे हम ऐसे बुन लेंगे। अब ये सारे फंदे हमारे एक ही सिलाई पर हो गए। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि यहां पर हम 5 फंदे बॉर्डर की बनाएंगे, यहां 5 फंदे बॉर्डर की बनाएंगे, दोनों साइड 5 5 फंदे बॉर्डर की बनाएंगे, और ये जो बीच के फंदे हैं ये हमें उल्टे और सीधे बुनने हैं, मतलब कि सीधी सिलाई पर सीधे और उल्टी सिलाई पर उल्टे बुनने हैं।
यानी कि हमें ये वाला जो डिजाइन है वो पीछे के पार्ट में नहीं डालना है, पीछे का पार्ट हमें सादा बुनना है। और उसके बाद ये जो बॉर्डर है ये भी हम बुन लेंगे, छह सलाई की बॉर्डर की है ये बुन लेंगे। और उसके बाद देखिए पीछे के पार्ट में हमें स्टेप्स बुननी है, तो पहले हम इतना बुन लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे पीछे का पार्ट कैसे बुना जाएगा। अब ये मैंने यहां तक बुन लिया है पीछे का पार्ट, ये देखिए हमारा आगे का और ये पीछे का, ये मैंने बॉर्डर बुन लिया। अब देखिए 7 फंदे हम इधर से लेंगे और 7 फंदे हम इधर से लेंगे स्टेप्स के लिए। यहां पर ये 3, 6, 7, ये 7 फंदे हमारे रहेंगे और 7 फंदे हमारे इधर से रहेंगे, बाकी के ये जो बीच के फंदे हैं ये हम बंद कर देंगे। तो देखिए कैसे, पहले हम ये 7 फंदे बुन लेंगे, दो तीन चार पांच छ सात। अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ लेकर 2 का 1 करेंगे, जैसे हमने पहले फंदे बंद किए थे वैसे ही हम यहां भी करेंगे। फिर से देखिए ये 2 का 1, अब इस फंदे को बाएं हाथ की सिलाई पर लिया और ये फिर से 2 का 1, फिर से इस फंदे को ऐसे लेंगे और ये 2 का 1। ये देखिए इधर हमारे फंदे बंद होते जा रहे हैं। ये देखिए 3 फंदे, ये 3 ये और 1 ये हमारे 7 फंदे बचे। अब हम ये फंदे ऐसे बुन लेंगे। अब देखिए एक स्ट्रिप हमारी यहां पर बनेगी और एक यहां पर बनेगी, तो पहले हम इसी को बुन लेते हैं।
अब देखिए हमारी इतनी बन गई है, इसी तरह से इसको आगे बनाते जाना, जितनी लंबी भी आपको बनानी है आप बना लीजिए। उसके बाद सारे फंदे ये बंद कर दीजिए। इसी तरह से इधर की भी आपको बनाकर तैयार कर लेनी है, ये जो 7 फंदे हैं इसकी भी आपको बिल्कुल इसके बराबर की बना लेनी है, और फिर सारे फंदे आपको इधर के भी बंद कर देने हैं। तो ये आपकी दोनों स्टेप्स तैयार हो जाएंगी। अब ये देखिए मैंने इसकी स्टेप्स भी बना करके तैयार कर ली हैं, और ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो सिलाई करने के लिए देखिए इसको ऐसे रखेंगे, और ये यहां से लेकर के यहां तक हमें इसको सिल लेना है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। देखिए मैं दूर दूर सिल करके आपको बता रही हूँ, आप जब भी सिलाई करें तो पास पास सिलिए। पलटकर ये जो दूसरा साइड है, इधर ये पूरा सिल लीजिए यहां तक। उसके बाद ये देखिए यहां से लेकर के आप ऐसे पूरा सीधा यहां तक सिल दीजिए, तो ये आपका पूरा सिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आपको बटन लगा देनी है, तो ये आपका बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी डांगरी बन करके तैयार हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये छोटा साइज है, ये 3-4 महीने के बच्चे का साइज है। तो इसमें मैंने यहाँ पर 35 फंदे ले लिए, और उसके बाद सारे फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा दिए, 50 फंदे कर दिए यहाँ पर, और उसके बाद इसको हमने सीधा सीधा बुन दिया। इसी तरह यहाँ कटाई में भी एक बार फंदे घटा दिए, उसके बाद इसको सीधा बुन दिया। लेकिन अगर आप बड़ा बना रही हैं, करीब 1.5-2 साल के बच्चे का आप बना रही हैं, तो फिर आप यहाँ करीब 40 या 45 फंदे लीजिए, और उसके बाद ये फंदे आपको यहाँ करीब 60-65 तक कर लेने हैं। फिर दोनों साइड से हर 10वीं या 12वीं सिलाई पर दोनों साइड से आपको एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको आगे बुनना है। इसी तरह जब आप यहाँ कटाई करें आसन की, तो एक बार पहले आप ऐसे करिए जैसे यहां पर मैंने की है, उसके बाद आप दोनों साइड से करीब 12वीं सिलाई पर आप दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए इसको यहां तक बुन लीजिए, तो आपका जो है वो और अच्छा बन करके आएगा। क्योंकि ये छोटा है, छोटा साइज है, तो इसलिए मैंने आपको आइडिया देने के लिए ये इस तरह से बनाया है। छोटा अगर आप बना रही हैं तो आप ऐसे भी बना सकती हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।